नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए आए हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई सूचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो वीडियो है वो है RPSC सेकंड ग्रेड 2018 आंसर किस रिलेटेड। तो दोस्तों, आज ही RPSC ने जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुई थी 2018 की, उनकी सभी विषय के आंसर की जारी कर दी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है, ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज हो गई हैं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे उन पर सभी पर जो ऑब्जेक्शन अगर किसी को लगाना तो कैसे लगाएं। तो यहाँ पर सभी प्रकार की इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर विजिट कॉल नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आप RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ आंसर की चेक कर सकते हैं। और ये जो आज की जो डेट में जो प्रेस नोट जारी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आंसर की है उसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है तो उसके संबंध में जो प्रेस नोट जो रिलीज किया है वो आज की डेट का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर तो पहले ही RPSC की वेबसाइट अपलोड कर दिया गया था, और आंसर की सभी सब्जेक्ट्स की आज अपलोड कर दी गई हैं, जिन्हें आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिख रखा है आयोग द्वारा दिनांक 28/10/2018 से दिनांक 11/2/2018 तक आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 के ग्रुप प्रथम, जिसमें GK जो कि दिनांक 10/28/2018, MH के साथ के जो ऐच्छिक विषय थे सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, पंजाबी और सिंधी की उत्तरकंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को इन उत्तरकंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 19/2/2019 से 21/2000 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों, आप जो भी किसी को ऑब्जेक्शन हो तो अगर वो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवानी है तो वो 19 तारीख से और 21 तारीख के बीच में रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। तो जो आपत्ति होंगी वो सिर्फ ऑनलाइन ही दर्ज होंगी। इसी के साथ आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्टर प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। इस परीक्षा के ग्रुप प्रथम के प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्तिक जो प्रमाणिक है वो स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का यदि कोई अन्य अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है जो भी आपत्ति आप दर्ज करवाएंगे वो कोई स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक बुक होगी तो उसके प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करनी पड़ेगी। जिनको अगर वो उसमें से रिलेटेड नहीं है तो उसको उन आपत्तियों पर विचार भी नहीं किया जाएगा। वांछित जो प्रमाण पत्र संलग्न अगर आप करते हैं तो उन स्थितियों में आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में जो सम्मिलित नहीं हुए अगर वो भी आपत्ति लगाएंगे तो उन भी आपत्ति दर्ज पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तक होंगे उनकी ही आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर जो आपत्ति शुल्क है वो भी निर्धारित किया है। तो आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क ₹100 सेवा शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क ₹100 के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज करा सकता है। तो जो भी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज होंगी वो अपने ही SSO पोर्टल पर लॉगिन करके वहाँ से आप खुद भी इनको कर सकते हैं या ई मित्र वाले से भी करवा सकते हैं, जिनका कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो आपत्ति शुल्क है वो ₹100 होगी। तो वो प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से ही इस पर शुल्क लगेगा। आप कितने भी क्वेश्चनों पर आपत्ति लगा सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ₹100 आपसे सीमा शुल्क लिया जाएगा। और इसमें जो शुल्क है वो वापस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएंगी, आपत्तियों केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जो ऑनलाइन जो आपत्तियाँ होंगी वो सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकृत की जाएंगी। ऑनलाइन आपत्तियों का जो लिंक है वो 19 तारीख से और 21 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है। इसके पश्चात लिंक जो है निष्क्रिय हो जाएगा और अन्य किसी से माध्यम से भेजी गई जो आपत्तियों स्वीकार नहीं की जाएंगी, आपत्ति केवल एक बार ही ली जाएंगी। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो RPSC सेकंड ग्रेड जो परीक्षा दी थी उन्होंने बहुत दिनों से इंतजार करे था आंसर की का, उनके लिए अच्छी खबर है। और जो भी आप अगर आंसर की पे ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में ही लगा सकते हैं, ऑनलाइन ही ऑब्जेक्शन होगा। प्रत्येक ऑब्जेक्शन के लिए प्रत्येक क्वेश्चन का आपकी जो शुल्क ₹100 होगी और ये सिर्फ SSO ID पोर्टल पे ही आप लॉगिन करके या ई मित्र वाले से किसी से भी आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और हम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक भी डाल देंगे, जहाँ से कि आप जो सभी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के ऑफिशियल जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं वो और इनके आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।